नीलंजनाए रविपुत्रम नमस्ते। नमस्कार, मैं हूँ आपकी एस्ट्रोमा क्रिस तारा कृष्ण शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्रोग्राम एस्ट्रोमा। यदि आप भी करना चाहते हैं मुझसे सीधी बात, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। जी हाँ, सीधी बात कर सकते हैं। मगर आज का जो हमारा टॉपिक है, जो निर्दोष लोग कारावास के योग में फंसने वाले होते हैं उनके लिए क्या उपाय है, जो निर्दोष जेल के अंदर है उनके लिए क्या उपाय है, आज का उपाय जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं राशियों के ऊपर, तो राशियां आपकी क्या कहती है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है कि भाग्य कृपा से जो भी करेंगे आज शुभ रहेगा। मनोबल आपका ऊंचा रहेगा, करियर कारोबार के मामले पक्ष में रहेंगे और धर्म और मनोरंजन में भी आपकी रुचि रहेगी। आज आपको क्या करना है, आज अगर हो सके तो भुने हुए चावल जो होते हैं उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाइएगा और साथ ही थोड़ा सा ऊपर से उसमें गीले कर दीजिएगा, उसको दूध मिलाकर या तो दूध से गीला करिएगा। ये सारी चीजें अगर आप जाके पीपल वृक्ष के नीचे रख के आते हैं आपके लिए आज का दिन बेहतर हो जाता। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है कि अचानक से लाभ संभव है, धैर्य अनुशासन और सतर्कता से आगे बढ़ें। बड़बोलेपन और दिखावे में समय आज जाया ना करें। दिन सामान्य आपका फलकारक रहेगा। आज के दिन अगर घर में खिचड़ी बनाकर सभी लोग खाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उड़द की दाल की खिचड़ी खाइएगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है निजी जीवन में सुख सामंजस्य बढ़ेगा, भूमि भवन के मामले बनेंगे, साझेदारी में भी अच्छा करेंगे, सक्रियता आपकी बनाए रखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए आज का दिन बेहतर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप हो सके तो आज के दिन पीले कलर के कपड़ों से दूर रहिएगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है मेहनत व लगन से लाभ अर्जित करेंगे, खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है, प्रलोभन में ना पड़े, निजी जीवन में त्याग और आदर्श की भावना बढ़ेगी। आज के दिन किसी को उधार ना दे ना ले। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है मित्रों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे, कंपटीशन में भी आगे रहेंगे, संतान अच्छा करेगी, शुभ समाचार भी मिल सकता है, आर्थिक सहजता बढ़ेगी। आज भुने हुए जो चने होते हैं उसको खाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, शत्रु आपके दूर हट जाएंगे। भाई कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है भवन और वाहन की इच्छा को बल मिलेगा, साधनों पर घर की साज सवार पर जोर देंगे, कामकाज भी आपका अच्छा रहेगा, छात्र जो है अच्छा करते रहेंगे और आगे भी अच्छा करते रहेंगे, तो इसके लिए यहाँ उनको उपाय बताने चाहेंगे। आज सूर्य देव की पूजा आराधना करेंगे आपके लिए बेहतर हो जाएगा। बाकी राशियों पर चर्चा करेंगे, हमारे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। हेलो हेमंत जी, स्वागत है। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैडम, मैं अपने वाइफ के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1-2-81। और समय बताइए। समय मैम मुझे पता नहीं है। जी दिन का है या रात का कुछ आइडिया? जी सुबह का ही है शायद। नाम है मंजू। जी क्या पूछा चाहते हैं? मैडम 2-3 सालों से उसके गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रहे हैं, अभी तक लगेगी या नहीं लगेगी कुछ बताइए। 2-3 सालों से गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज मैं इनके देखना चाहेंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पर जो आसार है वो कह सकते हैं 80% है, 80% है। और उसको चांसेस बनाने के लिए यहाँ पे देखते हैं दशम भाव में सूर्य शुक्र केतु, इनको क्या करना है, एक तो सूर्य की पूजा आराधना करनी है, केतु का उपाय इसलिए करना है, कुत्ते को काले कुत्ते को रोटी खिलाना है हर जो शनिवार के दिन, इनके लिए बेहतर हो जाएगा। जितना हमारा केतु प्रबल होगा उतना हमारे लिए जॉब वगैरह के लिए, और सूर्य हमारा प्रबल रहेगा तो सूर्य हमारे जॉब के आसार बनते रहे। अभी इनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, मोती रत्न धारण कर लीजिए, इनके लिए अच्छा रहेगा, जो परेशानियां वो दूर हो जाएंगी। करके देखते हैं, हमें शुभकामना आपके साथ है। जय भोलेनाथ। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। दीपक जी स्वागत है। जय भोलेनाथ मैम। जय भोलेनाथ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 11-10-1992। 11-10-1992। और समय बताइए। समय ठीक से पता नहीं है लेकिन सुबह के 9 बजे के लगभग है। जी सवाल पूछिए। मुझे सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरा अच्छा समय कब से शुरू होगा, मैं जितनी कामयाब चाहता हूँ सफलता नहीं मिलती है। बिल्कुल, यहाँ पर आपने बात की है कि हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, तो उसके लिए पहले हम आपकी कुंडली में देखेंगे ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आप कामयाबी की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे आपकी राशि को, यहाँ पे धनु राशि के पूजा पाठ की तरफ आपका बहुत ज्यादा अच्छा खासा ध्यान है, धनु राशि के स्वामी गुरु हैं,
मगर यहाँ पर लगन को देखते हैं तो लगन हमारा 06 डिग्री। हमने पहले भी कहा है लगन हमारा मजबूत नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, लगन हमारी जड़ होती है। तो यहाँ पर कन्या लगन के हैं आप जो है तो पन्ना रतन धारण कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही गाय को पालक खिलाया करें आपके लिए हर बुधवार के दिन, यानी कि कितने बुधवार आप खिलाते रहिए, आपका बुध स्ट्रांग होगा। घर में अगर तोता पालते हैं बहुत अच्छा रहेगा, इससे जो है आपके भाग में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। गणेश जी की पूजा आराधना करें, जय भोलेनाथ। रेनू हमारे से जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। रेनू जी स्वागत है। नमस्कार जी। मैं मुझे अपने इस तो अपने बारे में पूछना था, एक अपनी बेटी के बारे में पूछना था। आप अपनी बेटी के बारे में पूछिए। मैम मेरे बेटी की 23 जुलाई 2005 और समय बताइए। समय है रात के 11:20 ये 11:15 का टाइम है। सही बात है जी। क्या पूछना चाहती है बेटी के लिए? मैम कहते हैं इसका भविष्य कैसे रहेगा, इसके पढ़ाई लिखाई मतलब की तो लाइन में आगे जाएंगे, मतलब पढ़ाई नहीं कर पाती ढंग से। और अपने लिए क्या पूछना है? अपने लिए मैम ये पूछना है, मैं सूटों का काम करना चाहती हूँ। कहते हैं दुकान किस नाम से खोलनी चाहिए? मेरा नाम शादी से पहले रेनू है और शादी के बाद बदल जाएगा निधि के नाम से शादी से दीदी, तो किस नाम से ठीक रहेगा? ये अपनी बेटी के नाम से करूँ दुकान ठीक रहेगी, चल पाएगी कैसे इसके? चलिए दोनों चीजों से पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपकी दुकान के लिए बताऊंगी तो अपनी बेटी के नाम से करिएगा, आपकी बेटी के नाम से अच्छा रहेगा। यहाँ पे मीन लगन की है और साथ ही राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि के हैं। यहाँ पर बेटी के पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा सा यहाँ चंद्रमा का उपाय करें। बेटी पढ़ाई लिखाई में ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा अच्छी, कहीं ना कहीं चंचलता की वजह से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे पा रही है, तो पढ़ाई लिखाई के लिए इसके लिए बेहतर होगा इसको जो है आप अगर हो सके तो कांच के ग्लास में दूध पिलाया करें, इसके लिए अच्छा रहेगा। और इसके मस्तक पे हल्का सा हल्दी का तिलक लगा दिया करें हर गुरुवार के दिन, अच्छा रहेगा। पीले रंग के भोजन कराया करें, जय भोलेनाथ। योगेंद्र हमारे से जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो मैडम, प्रणाम। प्रणाम जी। जी मैडम, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 21 की रात 12:10 से 12:30 के बीच का है। एक डेट फिर से बताइए। 21 फरवरी 1971 जी। अब रात के कितना बजे बताइए? 12:10 से 12:30 के बीच का है जी। क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम, मैं रियल इस्टेट के काम से जुड़ा हूँ जी, और उसमें मेरे थोड़ा सा जो है काम में जो है रुकावटें आती रहती हैं, डिले होता रहता है टाइम। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी कुंडली में यहाँ पर मंगल हमारे भूमि देवता हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है आपके लिए बताना चाहेंगे। हर मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी की पूजा आराधना करने के साथ साथ आप जो है चमेली का तेल और सिंदूर जरूर चढ़ाया करें, आपका भूमि से संबंधित यानी रियल इस्टेट का काम है उसमें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही जो है मंगलवार के दिन भुने हुए, जो अभी हमें पहले भी बताया था आपकी राशियों के अनुसार भी भुने हुए जो होते हैं चने होते हैं काले वाले, वो जो है हनुमान जी को चढ़ाया करें, साथ में गुड़ चढ़ाया करें, इससे जो है हमारा मंगल स्ट्रांग होगा, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। मंगल का जितना आप बढ़ावा करेंगे उतना ही आपका रियल इस्टेट में आपको जो है प्रॉफिट दिखाई देगा, अभी कुछ 2-3 महीने तक के बाद जो है आपको प्रॉफिट नजर आएगा, जय भोलेनाथ। राजेश हमारे से जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। राजेश जी स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ और भगवान मिले हो, मैं सन 1975 से प्रॉपर्टी केस से परेशान हूँ। आप अपनी जन्मतिथि बताइए। मेरी जन्मतिथि है 12 मार्च 1950। और समय बताइए। टाइम है लगभग सुबह 3 बजे सुबह के। प्रॉपर्टी के केस की बात है जी। केस चल रहा है? केस चल रहे हैं सन 75 से जो है, पहले मेरे पिताजी से रहा था, फिर मुझे डेथ हो गई 75 में, वो मेरे हिस्से में आ गया। अब आगे मैं 2008 में 10 में मेरे भाई और बहनों ने मुझे कर दिया। चलिए प्रॉपर्टी के केस के लिए यहाँ देख रहे हैं आपकी राशि जो है धनु राशि, धनु लगन है, साथ ही मंगल यहाँ वक्री होके बैठा हुआ है, 1 डिग्री होके बैठा है, तो आपके लिए भी मैं कहूँगी मंगल का आपके लिए उपाय अच्छा रहेगा। साथ ही यहाँ पर जो दशाओं की बात कर रही हूँ तो दशाओं के लिए यहाँ पर आपकी कुंडली में मैं देख रही हूँ कि इस समय जो आपकी दशा चल रही है उसके अनुसार यहाँ पर गुरु की चल रही है, तो यहाँ पर एक तो अमावस्या के दिन अगर हो सके तो अमावस्या के दिन पितरों के नाम का दान पुण्य करना आपके लिए सही है, जब हमारे पितरों की तरफ से थोड़ी कृपा प्राप्त होगी, आप मस्तक पे केसर का तिलक लगाया करें। जब प्रॉपर्टी के केस के लिए डेट पड़ती है तो सिंदूर ले लीजिएगा, सिंदूर जो है अपने ऊपर से उतार के पानी में बहते हुए बहाना है और कुछ सिंदूर जो है हनुमान जी के चरणों में रख के जाइए, आपको प्रॉपर्टी के केस में जल्दी ही नतीजा आपको सामने मिल जाएगा, जय भोलेनाथ। मुकुल हमारे गोकुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो मैडम नमस्ते। नमस्कार जी। जी मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 17 नवंबर 1988 है। और समय बताइए। समय 3:35 रात्रि जी। क्या पूछना चाहते हैं?
मैडम मैं पूछ रहा था कि मेरी जॉब का गवर्नमेंट जॉब का कोई योग है कि आगे कब तक है क्या इसके बारे में पता करना था। गोकुल जी आपने जैसे बात की है आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए आसार हैं कि नहीं है तो यहाँ पर जो है कम हम कह सकते हैं आपके लिए भी यहाँ पे 80% चांसेस है। यहाँ पर देखते हैं लगन में आपका जो है यहाँ पर कन्या लगन है और साथ ही दशम भाव में यहाँ पे मिथुन राशि दोनों ही बुध का जो प्रभाव देखते हैं कि दोनों बुध के प्रभाव के लिए यहाँ पर आपकी कुंडली में कि बुध की डिग्री हमारी कितनी है तो बुध की डिग्री के हिसाब से यहाँ देखते हैं डिग्री तो सही है मगर जो है बुध प्रभावशाली नहीं हो रहा तो इसके लिए आपके लिए और सूर्य आपका 01 डिग्री होकर बैठा तो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ यहाँ पे कह सकते हैं अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की जो चांसेस है वो ज्यादा प्रबल है आप उसमें जो है आप ट्राई करिए तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा अपना खुद का कार्य करके आपके लिए बेहतर हो जाएगा। बाकी गवर्नमेंट जॉब के लिए 80% चांसेस है मेहनत जारी रखिए मिलेगा जरूर बुध का उपाय करिए जय भोलेनाथ। भाई आपके बारे में भी बता देते हैं तुला राशि वालों आज आपका दिन क्या कहता है भाई आपके लिए बताना चाहेंगे मूल्यवान वस्तु प्राप्त हो सकती है बड़ों की सुने तो अच्छा रहेगा बंधुओं में करीबी भी बढ़ेगी और दिन आपका सामान्य से श्रेष्ठ फलकारक रहेगा मनोबल आपका ऊंचा रहेगा आज अगर हो सके तो अपने जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा अच्छा व्यवहार रखिएगा और जीवन साथी को मीठा खिलाइएगा तो आपके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा अपना शुक्र प्रभाव अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा वस्तुओं के संग्रह पर जोर देंगे उत्सव में प्रमुखता से शामिल होंगे परिजनों का साथ और सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा। आज आपको क्या करना है अगर हो सके गरीब बच्चों में अगर अपने पुराने वस्त्र बांटते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि किसी को वस्त्र देने से आपके शारीरिक जो पीड़ा है वो दूर हो जाएगी। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है आज जो है क्रिएटिविटी बढ़ेगी लक्ष्य पे फोकस बनाए रखिए भव्यता पर जोर रहेगा वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा और संकोच को अगर त्यागेंगे तो आज आपका दिन बेहतर हो जाएगा। माँ का आशीर्वाद लेके घर से बाहर निकलिएगा तो आपके लिए आज चंद्रमा आपका बेहतर रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है आज आपका क्या है भाई दान दहेज और शुभ कार्यों में खुलकर खर्चा कर सकते हैं इस रिश्तों में नव ऊर्जा का संचार होगा व्यक्तिगत कारणों से यात्रा संभव है सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकती है। आज आपको उसको क्या करना है तेल जो है दान करिएगा सरसों का तेल अगर दान करते हैं मंदिर में जाकर तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है लाभ के अवसरों को भुनाने पर जोर रहेगा आर्थिक हित बेहतर रहेंगे कार्य व्यापार में अधिक का अधिक समय दें ज्यादा समय देंगे तो बेहतर होगा। प्रियजनों से आपकी भेंट होगी आज जो भी घर में आए उसको मीठा खिलाकर अगर जल पिलाएंगे तो आपके लिए आपका जो संबंध है और भी ज्यादा मिठास पूर्वक हो जाएगा। मीन राशि वाले आपके लिए दिन कहता है कार्य व्यापार में सभी के साथ और समर्थन से बेहतर बने रहेंगे आर्थिक मामले अपेक्षित रहेंगे पैतृक मामले बने रहेंगे दिन उत्तम फल कारक रहेगा। आज आपको क्या करना है अगर हो सके तो अपने घर में जो कहते हैं चावल होते हैं चावल के साथ में आपने मीठे जो चावल है उसमें थोड़े से गुड़ डालकर किसी भी गरीब बच्चों को खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं मंदिर में बंटवाते हैं तो गुड़ डालकर चावल जरूर बनाइएगा आपके लिए आज का दिन बेहतर हो जाएगा। बाकी चलिए हमारी एक कॉलर जुड़ चुके हैं भुवनेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई स्वागत करते हैं हेलो जय माता दी जी बताइए जी हम अपने बारे में पूछ रहा है मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/9/1983 और समय बताइए समय रात में 9:10 पर क्या पूछा जाती है पूछ रहा है मैडम हमारे पति को जो है सरकारी जॉब के बारे में पूछ रहा है लगेगा या नहीं सरकारी जॉब के लिए पति को यहाँ पर एक चीज बताना चाहेंगे एक तो जो है सरकारी जॉब के लिए इनके जो है बहुत कम चांसेस है मगर जो है हम कहते हैं हमेशा कोशिश जारी रखें कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है तो यहाँ पर जो है सरकारी जॉब के लिए वो ट्राई करें मिलेगा जरूर और साथ ही आप जो है अपने पति को अपने मांग का जो सिंदूर होता है वो जब भी काम काज के लिए जाया करें उनके माथे पर लगा दिया करिए सिंदूर में बहुत ताकत होती है मंगल हमारा स्ट्रांग रहेगा। यहाँ पर एक चीज है कि इनको ये बोलिएगा कि जब आप सिंदूर लगाया करें शुभ कार्य के लिए जब जाते हैं तो सिंदूर लगाएंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा है मगर ये कभी भी लाल रंग के वस्त्र ना पहने लाल रंग की चीजों को ना इस्तेमाल करें इनके हाथ से जो है सिंदूर तो दे जब लगाते हैं तो साथ में सिंदूर जो है हनुमान जी को चढ़वा दिया करिए इससे जो है इनका मंगल जो है ठीक हो जाएगा और गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई जरूर करते रहें और अपने लगन के भाव के स्वामी का दान पुण्य करते रहें। मेष लगन के हैं थोड़ा अच्छा इनके लिए रहेगा लाल रंग के वस्त्रों का दान करें सिंदूर का थोड़ा सा इसके इनके मस्तक पर लगा के बाकी सिंदूर हनुमान जी चढ़ाइए इनके लिए अच्छा रहेगा जय भोलेनाथ। संजीव हमारे साथ जुड़े हुए स्वागत करते हैं संजीव जी स्वागत है जय महादेव जी मैडम मैं क्या 3 महीने काम करता हूँ उसके बाद मैं अपने आप छूट जाता है। संजीव जी सबसे पहले जन्म तिथि जन्म समय 2/12/85 2/12/85 और समय बताइए
समय मैडम 4 और 5 के बीच का है, मेरे को पता नहीं है। सुबह का? हाँ जी जी। सवाल पूछिए। सवाल मैडम, मैं काम कोई भी करता हूँ 3 मिनट तक तो उसके बाद बंद हो जाता है, फिर गैप आए तो 2 मिनट। थोड़ा सा यहाँ पर आपकी कुंडली में अगर हम यहाँ देखते हैं तो चंद्रमा 05 डिग्री होके बैठा है, जो आपके राशि का स्वामी है। थोड़ा सा चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, मोती रतन धारण कर लीजिए, जो हमारा कोई काम करे या ना करे कहीं ना कहीं जो हम सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। चंद्रमा हमारा मस्तिष्क का स्वामी है, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सफेद रंग के वस्त्रों को पहनेंगे, साथ ही मोती रतन धारण करेंगे, शंकर भगवान पे दूध चढ़ाएंगे। दूध किसी से आप जो है कभी भी फ्री में मत लीजिएगा, आप जब भी दें तो आप भोलेनाथ पे चढ़ाएं, और ना ही किसी को दान देंगे, आप से भोलेनाथ पे दूध चढ़ाएंगे और दूध किसी से उधार लेंगे नहीं। माँ के चरण को छूना आप भूलिएगा नहीं, आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में काल सर्व दोष है, उसकी पूजा आराधना करा लीजिए, अन्यथा भाग्य में आपके आते आते समान जो भी चीजें हैं वो आपके हाथ से निकल जाएगा। ये करके देखिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है जय भोलेनाथ। भाई आज का उपाय क्या करता है? आज का उपाय कह रहा है कि भाई जो लोग कहीं ना कहीं ऐसे योग बन जाते हैं, बहुत सारे झूठे केसेस होते हैं उसमें आपके कारावास के योग बन जाते हैं, तो ऐसे में आप मुक्ति कैसे पा सकते हैं? कोर्ट कचहरी में भी आपका केस चल रहा है और लग रहा है कि हाँ आपको कहीं ना कहीं जेल हो सकती है, तो आपने करना है मंगलवार या बुधवार के दिन आपने पक्षियों को खरीद कर लाना है। पक्षी जब खरीद के लेके आते हैं तो पहले तो अपनी उम्र के हिसाब से वो पैसे रखिए, तो उसके बाद जो पक्षियों का रेट है उसके हिसाब से उसमें दुगना पैसा लगा के आप पक्षी खरीद के ले आइए। तोता ला सकते हैं या लाल रंग की जो चिड़िया होती है उसको लेके आएंगे आपने 9 की संख्या में। उनकी सेवा करना है, उनको दाना खिलाना, और शनिवार के दिन उनको आजाद करके इसलिए छोड़ देना है कि जिस तरीके से मैं आपको आजाद कर रहा हूँ उसी तरीके से मुझे भी कारावास के जो दोष है उससे मुक्ति मिले इस तरीके से। और साथ ही आपने मंत्रों का जाप भी करना है, ओम काल भैरवाय नमः, हे काल भैरव हमारे साथ न्याय करिए, ये कहते हुए आप उन पक्षियों को छोड़ देंगे। यकीन मानिए आपके कारावास के जो योग हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो आज का टिप क्या कहता है भाई? आज का टिप कहता है कि कुंजा मिश्री और सफेद काली मिर्च यदि पीस कर गाय के घी के साथ में सुबह सुबह खाली पेट अगर यदि खाते हैं तो नेत्रों के जो रोग हैं उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। तो ये आज का टिप है। कल एक नए विषय के साथ में और नए उपाय के साथ में करते हैं हम आपसे मुलाकात। मैं आपकी एस्ट्रो मां आपसे चाहती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत, जय भोलेनाथ।